नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं अंकित त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट से और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें, इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें जो यहाँ पर एड्रेस शो हो रहा है, इसके साथ ही हमारा इंस्टा का पेज भी जरूर फॉलो कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए क्योंकि यही तो मोटिवेशन है, ठीक है, हमारी पूरी टीम के लिए। तो आइए देखेंगे कि टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, नॉर्मल से चीज है, ठीक है ना। इसको देखेंगे हम, वुमेन्स के अंतर्गत आप रख के देख सकते हैं, यही वो साइकिल है जहां से पूरा का पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, नेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, मातृ मृत्यु अनुपात देखेंगे यहाँ पर। जीएस पेपर 1-2 दोनों में रख सकते हैं आप, सोशल इश्यू का पार्ट है। इसके बाद दूसरा जो है आपका 22 जुलाई जो फ्लैग एडॉप्शन डे है उसके बारे में न्यूज है क्योंकि आपका अभी वही संदर्भ चल रहा है, तो इसको देखेंगे हम लोग, है ना, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इसको पेश किया तो किस तरीके से लोगों ने उसको जो है उसकी प्रशंसा की और उसको जो है अपनाया क्योंकि हमको एक ध्वज की, राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता थी, तो उसके बारे में देखेंगे, कंटेक्चुअल चीज है, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है इंडिया वियतनाम रिलेशंस की बात करेंगे। एक तरीके से जो आपका बैलेंस पावर गेम जो होता है आपका शक्ति संतुलन जिसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर जो है आपका, है ना, पावर गेम ही होता है सब जगह। तो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए हम एक तरीके से वियतनाम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना, उस एंगल से ये आर्टिकल आपका। सेकंड पेपर का पार्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इसको देखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल FAME II ये सब आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो उसी से संदर्भित है ये आपका जीएस पेपर थर्ड का पार्ट है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में चर्चा की गई है, तो 17 गोल्स है उनके बारे में आप लोगों को पता होगा, उसी के बारे में जानकारी की सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो अल्टीमेटली आप जितने भी कदम आप देखते हैं, है ना, तो लगभग जो है इन गोल्स को जो यहाँ पर डिजाइन किया गया वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव कि उन्हीं के अंतर्गत सारी योजनाएं आ जाती, बस हमको कैटेगराइज करके लिखना होता है कि हमारी सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड हो गया, थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो अभी ये बताया गया है कि निश्चित, एक तो पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं एमएमआर की क्या है, डेफिनेशन क्या है। अभी जो नई फाइंडिंग्स आई है ना, भारत में अवस्थिति जो बताई जा रही है, स्पेशल बुलेटिन जो है एमएमआर ने रिलीज किया है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने मार्च 2022 में 14 मार्च को, डेट वेट याद नहीं करना है। तो यहां पर बोला जा रहा है जो एमएमआर की हमारे यहाँ स्थिति थी वो इंप्रूव हुई है, मतलब पहले जहां पर 2016-18 में जो 113 लोगों की वहां पर मातृ मृत्यु हो जाती थी, है ना, बर्थ देते समय, बच्चे को जन्म देते समय, तो यहां पर यह बोला जाता है कि, मतलब बोला जा रहा है कि 113 जो एमएमआर का डेटा था वो अब कितना हो गया, 103 हो गया, ठीक है ना, 2017-19 के लिए। तो यहां पर ये हमारे यहाँ एक पॉजिटिव क्या है, इंडिकेशन है, ठीक। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक निश्चित समयावधि में, एक हमने टाइम ले लिया निश्चित समय, उसके दौरान जो 1,00,000 जीवित जन्मों पर, है ना, जो आपके कितने, 1,00,000, ठीक है ना, 100,000 लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 1,00,000 जो लाइव बर्थ होती है उनके दौरान कितनी मैटरनल डेथ्स होती हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, इस तरीके से इसको काउंट किया जाता है। ये यहां पर वही आपका फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स डिवाइडेड बाय जो लाइव बर्थ है आपकी नंबर, इनटू कितना,
इसमें जो आपका इनटू है वो कितना 1 लाख का, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां समझिएगा कि जो भारत की स्थिति है अगर इसमें सुधार हो रहा है तो सारे, अब यहां पर कंटेक्चुअल जानकारी है किन किन राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, किसने नहीं किया, अब ये डेटा है हमारे लिए। तो जो हमारा स्टेट है उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है वो पता होना चाहिए, खराब प्रदर्शन कहां पर है ये पता होना चाहिए बैक से, ठीक है। अब एमएमआर पे कोई आपका सिंगल जो है सेपरेट क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा इसमें मेंस में, ठीक है ना, प्रीलिम्स में बना सकते हैं, मेंस में नहीं होगा, लेकिन जहां पर भी आप देश के बारे में लिख रहे हैं, सोशल इश्यू लिख रहे हैं, है ना, ह्यूमन से मतलब वुमेन्स से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड जहां पर भी कोई टॉपिक है वहां पर इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि मातृ मृत्यु जिन जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब 7 जो भारतीय राज्य हैं उसमें मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जो आपके 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 या उससे अधिक का डेटा है वहां पर, जिसमें राजस्थान है आपका, यूपी है, एमपी भी है आपका, छत्तीसगढ़ है, बिहार, उड़ीसा और असम है। ये क्या सब आकांक्षी राज्यों के अंतर्गत आते हैं क्या, गरीब बीमारू राज्य जिनको बोला जाता था पहले, नाम बदल दिया, बोल दिया आकांक्षी हो गए हम। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये है कि दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि जो पंजाब, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल है, ठीक है, उसमें भी जो मैटरनल आपका एमएमआर है जो आपका, ठीक है, वो उसका डेटा वहां पर भी ज्यादा है, 100 से 130 के बीच में है, ठीक है। सबसे कम जो है अच्छा परफॉर्मेंस हरियाणा, कर्नाटका, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 71 का डेटा है, 71 से 100 के बीच है ना, स्टेट्स वाइज ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एमएमआर में गिरावट देखी गई है वो यूपी, राजस्थान, बिहार में देखी गई है। कुछ राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जहां पर 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम जो आपका लक्ष्य है, किसका, यूनाइटेड नेशंस के एसडीजी के अंतर्गत, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो हमने लक्ष्य रखा है कि भैया एमएमआर को 2030 तक 1 लाख जो आपके जीवित जो आपके जन्म होते हैं, लाइव बर्थ होते हैं, उनमें जो डेटा होना चाहिए एमएमआर का उसको 70 के नीचे लाना है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ कई स्टेट्स ने इसको अचीव कर लिया, उसमें केरल है जहां पर 43 है एमएमआर का डेटा, महाराष्ट्र में 46 है, तेलंगाना 63 है, आंध्र प्रदेश 65 है और तमिलनाडु 60 है, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ये रैंक याद रखना है हमको कि टॉप किसने किया है, सबसे कम किसने है, तो ये बता भी सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपके सोशल इंडिकेटर्स है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, तो क्या केरला में अच्छा है, आप देखिए वही एक रीजन है क्या, वो एक प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है ना आपका। अब यहाँ पर स्टेप्स क्या क्या जो है लिए हैं भारत ने ताकि स्थिति में सुधार हो गया है, तो भैया बताया जा रहा है एनएफएचएस जो पाइप है आपका सर्वे 2019 से 21 के बीच वाला, उसमें पहला जो क्वार्टर था उसमें जो प्रसव पूर्व जांच कराने वाली माताओं का प्रतिशत था वो एनएचएफएस जो आपका 4 सर्वे था उससे बढ़ के 59% से 70% हो गया। कहने का मतलब ये कि एंटीनेटाल चेकअप है ये आपका, ठीक है, अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो वो जाके उन सुविधाओं को उपभोग कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि ओवरऑल डिक्लिनेशन देखा गया एमएमआर के रेट में, ठीक है, एमएमआर के रेट में ओवरऑल जो है वो कमी देखी गई, शिशु मृत्यु दर में भी, जनसंख्या वृद्धि दर भी जो है, ये जो है ये सब जो है एक दूसरे से संदर्भित है आपके कारक, ठीक है। तो यहां पर देखा गया है कि ये इंटर रिलेटेड है फर्टिलिटी रेट से, है ना, जो आपका बर्थ रेट है उससे भी, और आपका आईएमआर है उससे भी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी, ये सारे फैक्टर्स जो है एक दूसरे से इंटर लिंक्ड है, ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, और लगातार जो है यहाँ पर डिक्लिनेशन मतलब भारत में सुधार हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह होती है उसके स्तर पर भी देखेंगे तो देश में जो औसत लोगों की जानकारी है, अवेयरनेस वो बढ़ रही है, तो वो संस्थागत प्रसव को प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक, उससे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत एमएमआर के लिए जो स्ट्रैटेजिकली वहां पर डिजाइन करके पॉलिसीज में चेंज लाया गया, उसके अंतर्गत एक योजना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जननी सुरक्षा योजना, है ना, उन्होंने जो है इस योजना ने भी जो है अपना बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाया है, है ना, महिलाओं ने जो है संस्थागत प्रसव को इसके कारण जो है क्या दी प्राथमिकता, क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये आपका कंडीशनल कैश इंसेंटिव क्या थी, योजना थी, वहां पर कैश ट्रांसफर होता था,
है ना, डीबीटी के माध्यम से सशर्त था कि जब आप ये केयर करा लोगे, ये टीका लगवा लोगे, तब आपको इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा मिलेगा, उस तरीके से कैश इंसेंटिव थी। तो इसका भी फायदा देखा गया है ना, यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो नेशनल अपना रूरल हेल्थ मिशन है, कौन सा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसमें भी अलाउ किया किसको, एएनएम जो होती है ना, इनको ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स बोला जाता है। तो ये मान लीजिए कोई ऐसी कंटिजेंसी आ गई, आकस्मिकता की ऐसी परिस्थिति हो गई कि वहां डॉक्टर्स नहीं है, तो ये आपात स्थिति के दौरान इनको ट्रेन किया जाता है कि जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह है, फ्लूड्स वगैरह है जो आपके है ना, इंट्रावेनस फ्लूड्स जिसको बोलते हैं, और ड्रग्स वगैरह इमरजेंसीज में जो है ये दे सकती हैं उनको, उनको प्रशासित करने का जो है प्राधिकार वहां पर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ये भी बोला गया कि जो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत प्रेग्नेंट वुमेन जो है, प्रेग्नेंट वुमेन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है ना, तो उसमें जो भी आपका प्रसव वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें जो है आपका जो भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होंगे तो वहां पर वो फ्री डिलीवरी कर सकती हैं, है ना, ठीक है, मतलब मुफ्त प्रसव का अधिकार उनको वहां पर मिल जाता है। ठीक, इसके बाद जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है उसका उद्देश्य क्या है, तो भैया इसका उद्देश्य एक ही है कि हर महीने में एक तरीके का अवेयरनेस कैंपेन है कि 9 तारीख को जो आपकी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको यूनिवर्सली, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण प्रसव जो है उसके बारे में किस तरीके से केयर करना चाहिए हमको प्रसव के दौरान, है ना, गर्भावस्था के दौरान की जब गर्भधारण हुआ तो प्रसव पूर्व क्या आपकी वहां पर देखभाल होनी चाहिए, है ना, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद, है ना, प्रीनटाल एंटीनटाल, है ना, ये सब आप लोगों ने देखा होगा, उसी के अंतर्गत बता रहे, तो उसके बारे में किस तरीके से हमको ख्याल रखना है, किस तरीके से देखभाल करना, उसके लिए जो है ये जो है आपका क्या है, ये अभियान चलाया गया है एक तरीके से। इसके बाद लक्ष्य है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है, तो इसमें जो भी आपकी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, हेल्थ से रिलेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, तो उसमें प्रसव कराने वाली जो प्रत्येक गर्भवती महिला है और नवजात शिशु उसको जो है वहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 लाख से ज्यादा जो आपके सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनकी कम्युनिटी बना के, उनका पूरा एक ग्रुप बना के जो है इस क्षेत्र में लगाया गया है, संलग्न कराया गया है, ताकि गर्भवती जो महिलाएं हैं उन तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं तक, जो आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है उन तक वो सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद अंडर द नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, अब ये क्यों लाया गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ 50% वुमेन जो है आज भी एनीमिक है, ठीक, तो आयरन की कमी होगी, तो अब आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देना क्या है हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए ये हमने लाया क्या, जो नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव है। ठीक, तो इसमें जो आपकी महिलाएं हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग वुमेन हो और एडोलसेंट गर्ल, तो उनको जो है आयरन की गोली भी दी जाती है वहां पर, और फॉलिक एसिड, यह है ना, इस तरीके की सप्लीमेंट वगैरह दिए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है हमारे यहाँ जो इस तरीके का एक आयाम सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को जो है न्यूट्रिशन हेल्थ और एजुकेशन के लिए इक्वल एक्सेस मिले, पहली चीज। दूसरी चीज लाइफ साइकिल, है ना, के बारे में अवेयरनेस, ये सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा का वह स्तर, और फिर जब हम बैलेंस डाइट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या हम अपने यहाँ अपने लिए फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप खुद देख पाइए कि ये भी एक डिसिप्लिन का, देख पाइएगा कि ये भी एक डिसिप्लिन का काम है, है ना, आप दिन भर आप देखें कि आप अपनी डाइट को मेंटेन कर ले, पढ़ ले तो हमारे पास बहाना होता है, अरे यार हम जॉब कर रहे हैं, अरे मैं पढ़ाई करता हूँ इसलिए मेरी डाइट अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा तो भी वो डाइट मेंटेन करने के लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा, है ना, तो लाइफ साइकिल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करने की जरूरत है ना, गर्ल्स और वुमेन्स को, ताकि उनका सशक्तिकरण हो सके, है ना, तो अपने जीवन के सशक्तिकरण के लिए, है ना, जो भी अवेयरनेस के डायमेंशन है उनको वो फॉलो करें, जैसे आपका रूटीन वर्क हो गया उनका, ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड एक्सरसाइज हो गई, डाइट हो गई, सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब महिलाओं की जो आपकी यौनावस्था या प्रजनन के अधिकार है ना, उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए और उन प्रजनन अधिकारों को जो आपकी अविवाहित लड़कियां हैं उनको बताया भी जाना चाहिए। कुल मिला के ये कि ये जो है सेक्स एजुकेशन और अवेयरनेस से रिलेटेड चीज है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोका जाना चाहिए, है ना, और जो है आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए जाने चाहिए सेफ डिलीवरी के लिए। ठीक है, संस्थागत व्यवस्थाओं में सुरक्षित प्रसव पर जोर, है ना, यहाँ पर हाइजीन की बात आ गई। ठीक, ये तो कर ही रहे हम, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को तो बढ़ावा दे ही रहे। इसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है कि एडोलसेंट गर्ल्स के
लिए प्रोग्राम जो फोकस्ड होना चाहिए कि भैया अर्ली और अनवांटेड वहां पर जो है चाइल्ड बियरिंग की कंडीशन ना बने, गर्भधारण जो है गर्भावस्था में वो जो है एक एज के पहले ना आ जाए, मतलब बहुत छोटी उम्र में जब गर्भवती हो जाती है ना महिलाएं तो उनको समस्या होती है ना, तो उससे जो है ये बचाव के लिए ये जो है आपका कार्यक्रम है। ठीक है, अब ये सब चीजें जितनी आप पढ़ रहे हैं क्या ये अवेयरनेस से रिलेटेड है कि नहीं है बताइए। सब सिर्फ लिखने का ये क्या है, ये लिखने का कौशल है, कला है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि महिलाओं को शिक्षा स्किल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो प्रोत्साहन देना कि भैया आप आगे बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में आओ ताकि जो शादी की उम्र हो वो देरी हो सके उसमें, है ना, देरी हो सके तो जल्दी जो है गर्भधारण नहीं होगा और वो जो है क्या हो जाएंगी डिपेंडेंट भी हो जाएंगी अपने ऊपर, है ना, इकोनॉमिक रूप से भी उनको जो है रिलायंस मिल जाएगा, है ना, स्वायत्तता जो है उनको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग में जो आपकी डिसीजन मेकिंग जो उनकी एबिलिटी वो बढ़ जाएगी। आप इस तरीके से इसको जोड़ के देखिए। ठीक है, और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करना। इसके बाद जो HIV पॉजिटिव आपकी महिलाएं हैं या जो सेक्स वर्कर्स हैं वुमेन्स, उनके खिलाफ जो है एक तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस वगैरह है ना उसको रोकना है, उस तरीके के व्यवहारिक परिवर्तन को हमको सुनिश्चित करना है। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इम्प्रूव करना है वाटर और सैनिटेशन की सिचुएशन, है ना, इनफॉर्मल सेक्टर में भी। ठीक है, नॉर्मल से पॉइंट है ये, इससे अच्छे पॉइंट आपको खुद पता है। ठीक है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखिएगा कि डिस्पाइट डिक्लाइन इन MMR इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू एंश्योर वुमन लेड एम्पावरमेंट, है ना, मेन इशू है। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक है, फ्लैग एडॉप्शन डे है। ठीक है, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 13-14 अगस्त को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, है ना, प्रदर्शित करना है, हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने का आग्रह किया है, ये आंदोलन ये चला रहे हैं। अब नेशनल फ्लैग जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जब भावनात्मक भाषण के बीच अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाने का प्रस्ताव पेश किया तो बड़ी संख्या में लोगों ने उसको सपोर्ट किया। ठीक है ना, सबने उसकी सराहना की और भारतीय तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो पहले अब भारत पाकिस्तान का क्या होगा, विभाजन भी होगा, तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच तक ये डोमिनियन का राष्ट्र था। उसके बाद हमारा गणराज्य गणतंत्र बन जाता है, हमारा देश है ना गणतंत्र लागू हो जाता है, भारत गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फिर ये कार्यरत रहेगा आगे। अब इसमें तीन कलर है आपको पता है, सबसे ऊपर की पट्टी जो होती है वो किस सैफ्रॉन कलर की होती, केसरिया, जो आपकी त्याग ताकत और साहस को दिखाती है ना। बीच की जो पट्टी व्हाइट होती है ना, इसमें जो है आपका क्या है, शांति का प्रतीक है वो। ठीक है, और वहां पर जो अशोक चक्र जिसको धर्म चक्र बोला जाता है, चक्र इसलिए रखा गया है कि चक्र का मतलब ये है कि डायमंडिज्म, मतलब क्या, जो आपका मूवमेंट, गत्यात्मकता, जीवन में गत्यात्मकता, कि भैया जीवन में गति है और जहां पर गति नहीं है, अकर्मण्यता है, वही मृत्यु है। इसके बाद जो सबसे लास्ट तीन आपके क्या रहते हैं उसमें कलर है ना, केसरिया हो गया, व्हाइट हो गया। अब जो नीचे है आपका हरे रंग की पट्टी होती है तो ये समृद्धि, फर्टिलिटी, उर्वरता, है ना, इन सब चीजों को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, तो फ्लैग कोड जो इंडिया का है उसके अंतर्गत जो विड्थ और हाइट का रेशियो है 3:2 है, ये कई जगह पूछा गया है प्रीलिम्स में। इसके बाद जो तीन आपके हॉरिजॉन्टल बैंड है, हॉरिजॉन्टल ही है ऐसे, ठीक है, तो आपके सैफ्रन, व्हाइट और ग्रीन, तो ये इक्वली साइज्ड के बने हुए हैं। इसके बाद अशोक चक्र जो है 24 इवनली स्पेस्ड जो स्पोक है उनसे बने हुए हैं। ठीक, इंडिया वियतनाम का रिलेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है 85वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने रिलेशंस की, तो याद रखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये है। अब यहाँ पर जो की पॉइंट्स है वो बताया जा रहा है कि 2020-21 के दौरान जो भारत और वियतनाम के बीच में जो आपका बाइलेटरल ट्रेड रिलेशंस है ना, उसमें जो है कुछ ना कुछ जो हमारा डेफिसिट था वो कम हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो द्विपक्षीय व्यापार है वो हमारा कितना बढ़ गया है, कितना पहुंच गया है, अब $11.12 billion। अब इसमें जो भारत ने एक्सपोर्ट किया है $4.99 billion और जो इंपोर्ट किया है वो $6.12 billion में बात कर रहे हैं। अब ये जो व्यापार घाटा है, तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखें 2019-20 है ना, तो उस दौरान कितना था, $2.22 billion, लेकिन अब वो घट के $1.12 billion आ गया। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा डेफिसिट कम हुआ है। ठीक है ना, हमने मतलब इसका मतलब ये कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो आपका एक साइकिल है वो थोड़ा सा सुधरा। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2020-21 में इंडिया और वियतनाम के संदर्भ में अगर बात करें, द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में, तो ट्रेडिंग पार्टनर के अगर संदर्भ में देख लें तो वैश्विक स्तर पर हमारा 15वें नंबर का ये क्या है, पार्टनर है, और आसियान कंट्रीज के अंतर्गत देखें तो फोर्थ लार्जेस्ट है, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद। ठीक, वियतनाम जो है
सिक्स उसके जो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं भारत में 2020 तक जो है वियतनाम की, भारत में छह जो है किस तरीके की परियोजनाएं हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने $28.55 मिलियन की, और हमको तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है, बस जो पैसा आ रहा है फंड उसका तार्किक यूज हो जाए, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो मेकांग गंगा आपका सहयोग ढांचा उसके अंतर्गत भी जो है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत ने वियतनाम के जो आपके प्रोविंसेस वगैरह हैं तो वहां पर $50,000 मूल्य की त्वरित प्रभाव से वहां पर क्या की है परियोजनाएं शुरू कर रहा है। नॉर्मल सी चीज है। अब एक्सटेंशन ये एक तरीके का एक्ट इस पॉलिसी का, बिल्कुल ठीक बात है। और वियतनाम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल है वो चाइना के एंगल को लेके हमको हमेशा सोचना है, ठीक है। तो आईओ और रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर भारत की जो राजनीतिक रणनीतिक जो आपकी अवस्थिति उसको और ज्यादा सशक्त करने में और चाइना को प्रतिसंतुलित करने में हम वियतनाम को यूज कर सकते हैं, और उसी के संदर्भ में जो है दोनों एक दूसरे के क्या है एक अच्छे पार्टनर के रूप में उभरे। अब देखा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन से इश्यूज होंगे दोनों कंट्रीज के साथ, तो यहाँ जो आप जो भी आपके स्ट्रेटेजिक कंसर्न है वही चाइना वाली बात है ना, उनको एड्रेस करना, ठीक है। चाहे आप ट्रैफिकिंग की बात कर लें, चाहे चाइना की एसर्टिव पॉलिसीज की बात कर लें, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन की बात करें, टेररिज्म की, तो सारी जगह एक दूसरे को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। तो यहां पर जो ऊर्जा सुरक्षा मेन जो है आपका, ठीक है, उसके अलावा ओपन एंड सिक्योर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, वहां पर आवागमन भी उसी से संदर्भित है, ठीक है। और भारत और वियतनाम जो है दोनों का कंसर्न एक ही है, चाइना है, वही चीज बता रहे, क्षेत्रीय विवाद है ना, कई सारी साझा जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको जो है वो लोग क्या करते हैं उनका सामना करते हैं। अब इसके बाद वियतनाम का अपना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि साउथ चाइना सी में जो है इसकी अवस्थिति ऐसी है कि दक्षिण चीन सागर में अगर चाइना को नियंत्रित करना है तो उसके लिए उसकी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो सामरिक महत्व है उसका। उसके बाद आप देखेंगे कि भारत जो है वियतनाम की सैन्य शक्ति को और मजबूत करके चाइना का मुकाबला कर सकता है। आप देख रहे हैं कि लगातार चाइना लगा ही रहता है पाकिस्तान तरफ से कुछ ना कुछ करके हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि दोनों देशों ने जून 2022 में एक सहयोग के लिए संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया है। किस सेक्टर में? रक्षा सहयोग इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है ना, ज्वाइंट रीजन है डिफेंस कॉपरेशन के लिए। उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वहां पर बनाया गया है। किसके संदर्भ में? तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संदर्भ में जून 2022 में, ये हमने पहले भी कवर किया है। इसके बाद यहाँ पर $100 मिलियन की जो आपकी डिफेंस से रिलेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है वो लागू की गई है। भारत में वियतनाम की जो आपकी डिफेंस कैपेसिटी है, जो उसका डिफेंस सिस्टम है उसको और सशक्त करने के लिए वहां पर और उसकी क्षमता को उन्नयन करने के लिए $500 मिलियन की जो है आपकी लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस सेक्टर के लिए जल्द से जल्द उसको जो है देने की घोषणा की है। इसके बाद भारत जो है विशाखापट्टनम में वहां पर INS सातवाहन में जो आपके वियतनामी नाविक थे, ठीक है, तो जो वहां के क्या है नाविक वगैरह है, ठीक है, तो उनको जो है पानी के अंदर किस तरीके से युद्ध अभियान को और उस कौशल को कैसे जो है परफॉर्म करना है उसके लिए उनको वो ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या है, तो इंडिया जो है आपका समझिएगा यहाँ पर मेन तो चाइना का ही यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका भारत जो है तीन देश रूस और चाइना के साथ अगर हम देखें तो वो एक है जिसके साथ वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, ठीक। कहने का मतलब क्या कि रशिया और चाइना, ठीक, उसके बाद वियतनाम की व्यापक जो रणनीतिक साझेदारी है वो किसके साथ है? भारत के साथ है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी होने से कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ पर प्रैग्मेटिक वे निकालना पड़ेगा अपने फॉरेन पॉलिसी में और उस तरीके से उसका दोहन करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि चीन का जो आपका वियतनाम के प्रति रवैया, देखिए चीन तो सीधा एक ही फंडे में चलता है ना, वन चाइना पॉलिसी जो है उसका वो अलग खेल है, उसका एसर्टिव पॉलिसी है, एग्रेसिव है वो, ठीक है। तो चीन के प्रति जो वियतनाम का रवैया है, तो जब हमारा कोई मैटर आता है तो वियतनाम जो है मुखर रूप से वहां पर सामने नहीं आता, लेकिन वो ये चाहता है कि साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना उसकी टेरिटरी पर जो है क्या कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, वहां उसको परेशान, तो वहां भारत उसका सहयोग करे। तो कहने का मतलब यह है कि उसका जो है यहाँ पर स्टेट क्लियर नहीं है, तो वहां पर भारत को भी सहयोग जो है करना चाहिए किसको, वियतनाम को, लेकिन वो कर नहीं रहा। किस
संदर्भ में जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा संघर्ष हमारे यहाँ चलता रहता है ना लगातार, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कंफ्लिक्ट है, तो वहां पर कोई मुखर्जी का स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन वो चाहता वियतनाम कि हम जाके साउथ चाइना सी में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको वहां पर हेल्प करें। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, विरोधाभास चुनौतियां ये है। ठीक है ना, और चाइना और रशिया को लेके ये काउंटर करके आप लिखिएगा तो वही आपकी चुनौती है। अब यहां पर क्वेश्चन जो दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए, आप लोग क्वेश्चन लिख के नहीं दिखा रहे। पिछले कुछ ईयर्स में आप देखेंगे तो लगातार भारत और वियतनाम के जो संबंध है प्रगाढ़ हुए हैं। ठीक है, लेकिन चीन के प्रति जो वियतनाम की अस्पष्ट रणनीति है भारत के लिए कंसर्न का एक पॉइंट रहा है, इस संदर्भ में कमेंट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर डेटा बता रहे इतने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज हो रहे हैं और इतने नॉन इलेक्ट्रिक, तो ये सब रखना नहीं हमको। अब स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो फेम के बारे में हम लोगों ने सुना है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें सब्सिडाइज्ड रेट में जो आप देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह दिए जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, जो हमारी डिपेंडेंसी है जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल डीजल इन पर बेस्ड जो आपके व्हीकल है उनसे हम स्विच करके, और जो इको फ्रेंडली हमारा मीडियम है ना, जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको यूज करें हम लोग। ठीक है, उसके लिए किया गया इसको। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्तमान में फेम इंडिया सेकंड का जो है चरण चल रहा है, इसमें अप्रैल 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है। अब इसमें भी 10,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने इस, अब ये समझिए कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे तो उसके लिए बैटरी बनानी पड़ेगी, फिर चार्जिंग स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, तो उस संदर्भ में काम किया होगा सरकार ने। तो सरकार ने मई 2021 में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए ये बोला कि भैया जो एडवांस केमिस्ट्री सेल है अगर उसका आप निर्माण कर रहे हो उत्पादन कर रहे हो तो वहां पर क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन लिंक्ड जो है इंसेंटिव योजना को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम करने के लिए इस तरीके का इंसेंटिव दिया जाता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होता है। ठीक, इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो है आपकी ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स जो है आपके उनके लिए ये जो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड 5 साल की अवधि के लिए उसको कवर किया जाएगा। कुल मिला के एक जो है यहाँ पर आप की पॉइंट याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वहां पर हम इसको लाते हैं, क्यों, क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं देंगे आप तो नई फील्ड में लोग आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा कैसे लेंगे। इसके बाद यहाँ पर यह भी एक इंसेंटिव दिया जा रहा है कि जो जीएसटी वगैरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसको कम कर दिया गया, 12% से 5% कर दिया गया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक वाहन जहां पर चार्ज वगैरह होंगे तो वहां पर भी जीएसटी को घटाकर 18% से 5% कर दिया गया। और यहां पर यह बोला गया कि जो हमारे मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उसने बोला है कि बैटरी से चलने वाले जो भी वाहन होंगे उनको हम ग्रीन लाइसेंस की प्लेट्स दे देंगे, उससे जो भी उनको परमिट की आवश्यकताएं हैं उससे छूट मिल जाएगी। ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है उसने इश्यू भी किया है एक नोटिफिकेशन, और उसमें बताया है कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी यूज करें उनके लिए रोड टैक्स वगैरह माफ कर सकते हैं, ताकि शुरुआती जो लागत है इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, ताकि वायबिलिटी बन सके। जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तभी तो लोग वहां पर आगे बढ़ चढ़कर आएंगे इस फील्ड में। इसके बाद यहां पर भारत उन देशों में भी शामिल है, वैश्विक स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है ना, कि क्या है इसका नाम, EV30@30 कैंपेन, ग्लोबल लेवल पे है, याद रखिएगा, अच्छा है इसको आप अपने पास लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, और इसका एम क्या है, तो एटलीस्ट 30% न्यू व्हीकल्स को सेल करना है 2030 तक जो कि इलेक्ट्रिक बेस्ड हो, है ना, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करना है। ठीक, एटलीस्ट 30% मतलब लगभग 1/3 हो गया ये आपका, है ना। अब यहाँ पर एडवांटेजेस क्या होंगे, तो सबसे पहला ये कि जो भी एनवायरमेंटल जो भी कंसर्न है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना, इकोलॉजिकल जो कंसर्न है हमारे, है ना, एयर पॉल्यूशन है उससे हमको क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। तो जो मानव स्वास्थ्य पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा था वो खत्म होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, ठीक है ना, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक, ये सब चीजें तो है ही है। और इससे जो हम जीरो एमिशन का हमारा टारगेट है 2070 तक, हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, अब ये हमारी निर्भरता को कम करेगा किसमें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। अब हम जो है अपनी जरूरतों का 80% जो क्रूड की जो हमारी पेट्रोलियम की नीड्स है उसको हम क्या करते हैं, आयात करते हैं 80%। ठीक, अब जो ये आयात करते हैं अगर हम इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं
इलेक्ट्रिक व्हीकल से, तो ये हमारा जो आयात बिल है, इंपोर्ट बिल, वो कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डेफिसिट है, फिजल डेफिसिट है, राजकोषीय जो हमारा घाटा है वो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा हमारा, तो वो पैसे बचेंगे, तो सरकार उसको कहीं प्रोडक्टिव जगह यूज करेगी, स्वास्थ्य में लगाएगी, शिक्षा में लगाएगी, ठीक है, कौशल विकास में लगाएगी, सड़क बनाने में लगाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या होगा कि जो हेल्थ पर ह्यूमंस के नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे थे वो भी कम हो पाएंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो 3 times ज्यादा एफिशियंट है जो आपके इंटरनल कंबशन जो इंजन व्हीकल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में देखें, है ना। आंतरिक दहन इंजन ही होता है, आंतरिक दहन का मतलब क्या, आंतरिक दहन होता है इंजन में ना, आप देखते हैं, तो उन वो जो आपके इंजन है उन वाहनों की तुलना में, यही पेट्रोलियम डीजल, पेट्रोल और डीजल वाले, तो उनके कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा आपके प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। इसमें जो वाइब्रेशन भी कम होता है, ठीक है, तो उससे भी मानव स्वास्थ्य पर ऋणात्मक प्रभाव कम पड़ेगा, शोर भी कम होगा, है ना, तो जो एंजाइटी वगैरह हो रही वो भी कम होगी आपको, तो इससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज ऐसी क्रिएट करेगी कि वहां पर कई सारे, अब जैसे इस फील्ड में कोई भी नई फील्ड में काम होगा तो कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि जो टिकाऊ हल्के थर्मोप्लास्टिक में जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्या होंगी, इस फील्ड में क्या होंगी, वो डेवलप होंगी, है ना, जो लाइट वेट आपके थर्मोप्लास्टिक वगैरह होते हैं, ठीक। और यहाँ पर इनकी हाई डिमांड होगी किसके लिए, बिजली भंडारण के लिए, मतलब इन ये जो प्रोडक्ट्स हैं बिजली भंडारण के लिए तो आवश्यकता पड़ेगी ना, तो भैया इलेक्ट्रिक स्टोरेज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज करने के लिए इस क्षेत्र में भी बूम देखा जाएगा, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि भारत में जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, बैटरी जो निर्माण उद्योग है वो कच्चे तेल में जितना हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उससे काफी बड़ा हो सकता है अगर हम इसको पूरी तरीके से क्या करें, इसका पूरा का पूरा जो है वो इकोसिस्टम जनरेट करते हैं वहां पर, उसको बना दे, तो इससे अल्टीमेटली भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी कि नहीं, हमारे यहाँ इतना बड़ा बैटरी इंडस्ट्री हो जाएगा, लोग वहां पर रोजगार करेंगे, लोगों को आय मिलेगी वहां से, ठीक है, और फिर हमारा जो आयात पे खर्च होने वाला पैसा उस राशि से बड़ा हो सकता है, अगर वो हो गया तो कहीं ना कहीं हमको बहुत बड़ा फायदा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गेन है। इसके बाद जो ऑयल सेक्टर पर जो टैक्सेस वगैरह से सरकारों को राजस्व हानि हो रही है, जैसे अभी आप देखेंगे कि भैया एक्साइज ड्यूटी हटा दिया तो अब उतना लॉस हो गया तो राज्य को कहां से मिलेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाहन अगर वहां पर रहेंगे तो इसको वहां से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रिक कार जैसे जैसे मार्केट में बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ऑयल की जो डिमांड कम हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि अभी कितना महंगा हो गया था, $100 के करीब पहुंच गया था, तो इससे क्या होगा कि उसकी मांग कम हो जाएगी और इस क्षेत्र में 2030 तक रोजगार 5 लाख बढ़ जाएगा, ठीक है, 5 लाख जो है वहां पर 5 लाख to 8.5 लाख तक लोगों को रोजगार भी जो बढ़ के मिल सकता है, इतना बढ़ सकता है रोजगार, है ना, तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, ये डेटा है आपका। फेम सेकंड की बात करें तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था, ठीक। अब जो आपका इस प्लान के अंतर्गत क्या किया गया कि अलाउ किया गया कि भैया आप इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल दोनों को यूज करें। हाइब्रिड का मतलब ये कि वो पेट्रोल से भी चल सकता है, इलेक्ट्रिक से भी, तो कहने का मतलब हाइब्रिड हो गया वो, ठीक है। तो इन इसको इन जो आपके वाहन है इन वाहनों के बारे में ऐसा लोगों को प्रोत्साहित करना कि उनकी वो पहली चॉइस बन जाए, वो परचेज करें इसको और रिप्लेस करें अपने कन्वेंशनल व्हीकल्स को, ठीक। अब फेम का जो मेन आपका फोकस है वो ये है कि व्हीकल जो आपके मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल वो सब्सिडाइज्ड रेट में मिलेंगे, ठीक है ना, इसमें हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों ही टेक्नोलॉजीज एम्बेडेड है, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, वो उसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, ठीक है। फेम इंडिया स्कीम की बात करें तो इसका फोकस टेक्नोलॉजी सबसे पहली चीज, उसको डेवलप करना, उसके बाद डिमांड क्रिएट करना है लोगों के बीच में, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। अभी तक भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आप नॉर्मली देखिए आपको दिखाई देता है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वगैरह है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, तो 2070 तक जो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हमको प्राप्त करना, उसके लिए चुनौतियों पर प्रकाश डालना है और इलेक्ट्रिक वाहन जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में किस तरीके से अपनी भूमिका को निर्वहन जो है भूमिका का निर्वहन कर सकता है, भूमिका निभा सकता है वहां पर, है ना, रोल प्ले कर सकता है, इस सेंटेंस को हमको क्या करना है,
इस स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। एसडीजी की बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को पता होगा 17 के 17 गोल है ना, और रटना नहीं इसको, ये समझना है कि गरीबी से कौन सा रिलेटेड है, भूख से कौन सा रिलेटेड है, हेल्थ से कौन सा रिलेटेड है, बस ऐसा, जेंडर इक्वालिटी से कौन सा रिलेटेड है ना, तो रेगुलर देखते रहेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा ज्ञान जी का, जिसमें सारी चीजें इन्होंने बताया है ना, कि 17 के गोल कैसे याद कर रहे हैं, तो ये रेगुलर देखते रहेंगे तो रच बस जाएगा दिमाग में। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसीज को अपनाया है गवर्नमेंट ने एसडीजी गोल को जो है आपके अचीव करने के लिए, वो सब बातें हैं। तो ये 17 है गोल्स आपको पता है, ठीक है, पहले एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था 2000 से लेके 2015 तक के लिए, अब फिर ये 2016 से 30 के लिए ना, 15 से 30 हम बोलते हैं लेकिन 15 तक के लिए एमडीजी था, तो अगले 15 सालों के लिए ये क्या है आपका, क्या है, एसडीजी है, ठीक। इसके अंतर्गत 17 कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लक्ष्यों को रखा गया है जिनके बाइफर्केशन अलग अलग है, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक तरीके से सस्टेनेबल जो आपका क्या है ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको अटेन करने के लिए, इसीलिए इसका नाम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। तो अब ये जो है 2015 में स्थापित किए गए, किसने इसको अपनाया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और 2030 तक इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब 17 लक्ष्यों में जो शामिल है, पहला आप देखेंगे तो पॉवर्टी को एंड करना है सारे फॉर्म में, अब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है गरीबी, और वो भी उसके सारे आयामों में और सभी जगह से। दूसरी चीज ये भुखमरी से रिलेटेड है, भूख, जो भुखमरी है उसको खत्म करना है, फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना है ना, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है कि नहीं, ठीक। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि सभी आयु के लोगों में जो स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा, हेल्थ से रिलेटेड है। थर्ड फोर्थ देखेंगे तो इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन से मतलब लिंक्ड है, शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, और उसी से संदर्भित है आपका कि लाइफ लॉन्ग जो आपका क्या है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है ना, उनको प्रमोट करना, सभी को जो है इस तरीके के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वो शिक्षित भी हो सके और कौशल विकास भी उनका हो सके। इसके बाद जेंडर इक्वालिटी अचीव करना है, फिफ्थ नंबर का गोल है ना, इसी में आपको वुमेन्स और गर्ल्स का एम्पावरमेंट भी दिखाई देगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो आपका छठवें नंबर का गोल है उसमें बताया जा रहा है किससे रिलेटेड है, ये सैनिटेशन से रिलेटेड है, तो सैनिटेशन भी है यहाँ पर और पानी भी है ना, वाटर का जो है आपका सस्टेनेबल मैनेज्मेंट, दोनों जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक। इसके बाद जो आपका सातवें नंबर का गोल है इसमें बताया जा रहा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी सिक्योरिटी को एक तरीके से एंश्योर करना, मतलब जो भी मॉडर्न एनर्जी है सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए, है ना, अफोर्डेबल भी और रिलायबल भी, सस्टेनेबल भी, तीनों चीजें जो है सेम है। कहने का मतलब ये कि भैया अफोर्डेबल मतलब पहले उतना पैसा उतनी बहनी हो तब तो आप उसको खरीद पाएंगे, फिर रिलायबल भी हो है ना, एनवायरमेंट में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, और सस्टेनेबल भी हो कि लगातार उसकी आपूर्ति जो है सुनिश्चित हो सके, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर गोल है उसमें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है, ताकि सभी लोग जो जैसे आप देखते हैं ना कहीं कहीं पर जैसे विकास हो गया, अब 10 लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए और करोड़ों लोग जो है आपके 10 लोग जो है बहुत ज्यादा रईस हो गए, अमीर हो गए, 10 लोगों के पास पैसा हो गया, अब बाकी लाखों लोगों के पास पैसा नहीं है, तो विषमता मूलक जो है समाज, विषमता मूलक जो है वृद्धि, उससे देश का विकास नहीं होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि भैया इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर आप एंश्योर करिए, ताकि सभी लोगों को जो है डिसेंट वर्क मिल सके, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट वहां पर जनरेट हो सके, है ना, इस तरीके की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर 9वें नंबर का हमारा एसडीजी गोल है, इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर हमको कैसा बनाना है, वो भी आपका रिजिलियंट बनाना है और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, ठीक है, उसके लिए हमको न्यू आइडियाज इनोवेशन वगैरह लाना पड़ेगा। इसका रीजन यही है कि आज की डेट में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ आज से 200-300 साल पहले जो हुआ आपका 1750 के दशक से, जब आप देखते हैं कि विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, तब से लेके आप अभी तक देखिए तो 250 सालों में ही उसने इतनी स्थिति खराब कर दी है हमारे यहाँ पॉल्यूशन से, कितने ज्यादा जो है आपके ऋणात्मक प्रभाव पड़े और किस किस तरीके की समस्याओं का सामना आज मानव समुदाय को करना पड़ रहा है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो तरह तरीके के और भी आपके मानव स्वास्थ्य पर ऋणात्मक प्रभाव हो ना, बहुत सारे उसके आयाम है, आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, इसमें इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है, किसके बीच में, देशों के बीच में,
जो बहुत ज्यादा आपका क्या है वहां पर इनकम में असमानता है कि भैया आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के कंट्रीज में बहुत ज्यादा गरीबी है, यूएस, यूके, नार्डिक कंट्री, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पर जो है बहुत अधिक फर्क है। तो कहने का मतलब है कि इस इनक्वालिटी को भी धीरे धीरे कम करना है। इसके बाद जो सिटीज है, ह्यूमन सेटलमेंट है, इनको भी इंक्लूसिव बनाना है, सेफ बनाना है, रिजिलियंट और सस्टेनेबल, क्योंकि भैया कोई आपदा आएगी तो सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट में ही प्रॉब्लम होगी, तो हमको उस तरीके से वो सेटलमेंट बनाना है, उस तरीके से शहरों का विकास करना है जो उसको क्या कर सके, उसके लिए रिजिलिएंट हो, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना और सतत हो वो आपका, ठीक। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट 12वें नंबर का हमारा गोल है, इसमें सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन पैटर्न की बात किया गया है। इसके बाद जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए किस तरीके से तत्काल कार्यवाही किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज में किस तरीके से हम वहां पर रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से वहां पर एक्शन लेंगे, उसके लिए जो है आपका 13वें नंबर का गोल है। 14th नंबर की गोल का बात करें हम तो ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है, और ये भी किससे रिलेटेड, अंडर वाटर मतलब समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है और उसका क्या करना है, उपभोग और उपयोग जो करना है वो स्थायी सतत विकास के लिए करना है, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करना है, उनको जो है कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा उनका दोहन नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर है आपका क्या पॉइंट, कौन सा एसडीजी गोल नंबर 15, अब इसमें ये किससे रिलेटेड है, तो ये अंडर वाटर हो गया, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो स्थलीय आपका क्या है पारिस्थितिकी प्रणाली, उनमें जो है आपका क्या करना, उनको उनकी सुरक्षा करना, उनके लिए वैसे आयाम अपनाना जैसे सुरक्षित जंगल हो, भूमि का क्षरण कम हो, है ना, बायोडायवर्सिटी को जो है वो इनहेंस किया जाए, है ना, ठीक है, तो इन सबको रोकने का प्रयास करना है, दोनों एनवायरमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद आप देखेंगे 16th नंबर का, तो यहाँ पर पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप करने की बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, है ना, और यहाँ पर जो है ये भी बोला जा रहा है कि सभी लोगों के लिए समाज में समान रूप से न्याय की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना है सभी स्तरों पर, है ना, उसके लिए जो है प्रभावी और जवाबदेह वहां पर सिस्टम होना आवश्यक है। कुल मिला के ये कि ये क्या करना है, यहां पर न्याय भी सभी लोगों को जो है आपको मुहैया कराना है सतत विकास के लिए, ठीक है, सतत विकास के लिए इंक्लूसिव सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और पीसफुल जो सोसाइटी उसको डेवलप करना। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है विभिन्न देशों में जो है पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि अशांति वगैरह फैली रहती है कहीं कहीं जगह, अब अभी तो रशिया यूक्रेन ही चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, वेस्ट एशिया में अलग है, सब जगह जो है ये समस्याएं हैं, तो उसी के लिए है। और लास्ट जो 17वें नंबर का गोल है कि इतने सारे जो गोल हैं तो उनको जो है इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए वैश्विक भागीदारी के लिए कि सभी लोग सतत विकास के जो लक्ष्य इनकी प्राप्ति के लिए एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना, और वैश्विक भागीदारी को वहां पर सशक्त करेंगे, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, इसको देख लीजिएगा। हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो बहुत सारी योजनाएं, सबसे पहले तो NAPCC आपने सुना होगा, 2008 में लाया गया था ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके को 8 जो है कोर सेक्टर है, स्पेसिफिक एरियाज है जो कनेक्टेड है सोलर एनर्जी से, है ना, और आपका इनहेंस एनर्जी एफिशियंसी से, इससे रेटिंग वगैरह पे भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। इसके बाद सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर, सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो ये सब जो है हमारे कोर 8 जो आपके क्या है वहां पर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत है, 8 आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो दूसरा यहां पर बताया जा रहा है कि स्टेट और यूनाइटेड जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है, है ना, उन्होंने भी जो ये राष्ट्रीय कार्य योजना के उद्देश्य हैं उनके अनुरूप जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो कार्य करना है उनके लिए उन्होंने भी कार्य योजना तैयार की है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पर अपने आप ही अपना जो INDC वगैरह का टारगेट हमने सेट किया कि भैया जितना हमारा 2005 के स्तर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन था GDP के कंपैरिजन में, जो हमारा इंटेंसिटी थी उत्सर्जन की तीव्रता, उसको 20-25% तक हम कम कर लेंगे, कब तक, 2030 तक, 2020 नहीं 2030 है ये आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी बताया है कि भारत ने 2005 से 16 के बीच में जो GDP के उत्सर्जन, भैया GDP के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं कि जो एमिशन हो रहा है उसको कंपेयर करके बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, तो उसकी तीव्रता में हमने ऑलरेडी 24% की कमी हासिल कर ली, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है नेशनल लेवल पे जो आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लाए इसके लिए लाया गया है, ठीक है, जो सिटी स्पेसिफिक क्लीन एयर एक्शन प्लान है वो अलग है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा कई सारी और भी योजनाएं हैं,
है ना, जैसे फोकस किया जा रहा है जहां जहां पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है ना, ठीक है, वाटर पोल्यूशन को कम कमजोर जो आपका कम करना है ना, नमामि गंगे वगैरह आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान देख सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन जो है वो कम करने के लिए किस तरीके से एनजीटी वहां पर पहल जो है कर रही है, सरकार किस तरीके के जो है दीर्घकालिक और जो है आपके वहां पर दीर्घकालिक आयामों को अपना रही, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद कई सारी फ्लैगशिप स्कीम भी जो है वो चलाई जा रही है जो हमारे एसडीजी गोल को अटेन करने में जो है हमको प्राप्त करने में जो क्या करेगी, हेल्प करेगी, जैसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है ना, अर्बन रूरल सब बता देंगे इसमें, अटल मिशन जो है रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, अब ये क्या फेम नहीं आ जाएगा, फेम टू नहीं आ जाएगा है ना, और प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, और आपका अर्बन वाली और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारी फेम आप ले सकते हैं वहां पर। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी हम चीजें जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं है ना, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो सब सेगमेंट को बांट के आप योजनाएं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि प्लास्टिक को भी जो है अब क्या किया गया है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक था उस पर बैन लगा दिया गया, कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट पर क्या करेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, तो इसको भी यहाँ पर रख दिया हमने। इसके बाद जो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है उसको भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, 8 जो कोस्टल स्टेट्स है हमारे यहाँ उनमें, और वो भी 2 फेजेस में किया जाएगा, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स है। पहला ये कि सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर होता है, मतलब अर्ली वार्निंग जो आपका सिस्टम है ना, उसको सशक्त करना, उसके बाद दूसरा चक्रवात का जो जोखिम है उससे संदर्भित जो भी आपका मिटिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना है हमको, है ना, कि भैया जो भी जोखिम हो सकता है उससे संदर्भित पहले ही हम जो है उसको मिटिगेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस है कैपेसिटी के लिए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, तो 4 इसके बेसिस है, इसको देख जाइएगा आप। इसके बाद इस पर जो क्वेश्चन लिखने के लिए लिखा गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, उनका महत्व क्या है और सरकार ने इस क्षेत्र में क्या इनिशिएटिव लिया है। अब यहाँ पर जो पहला एमसीक्यू है, नेक्स्ट फेज हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप लोगों को पता भी होगा, राजस्थान वगैरह से संदर्भित है। बताइएगा ये स्टेट बर्ड है क्या, कहीं पर कहीं का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कहीं का मतलब राज्य में जो है स्पेसिफिक उसको रिकग्नाइज किया गया है, राजस्थान में कहीं पर किया गया है क्या, केवला देव वगैरह के लिए फेमस है क्या ये। इसका जो पहला स्टेटमेंट है इसमें बताया जा रहा है कि वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, बिल्कुल ठीक बात है, इसका वेट 15 केजी के अप्रॉक्स होता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इनके जो आवास है वो कहाँ होता है, तो ग्रासलैंड्स और स्क्रब लैंड में रहते हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तीसरा ये कि ये एंडेमिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंडेमिक है किसके लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, जो हमारे राजस्थान का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका, ठीक, इसके लिए स्थानिक है। इसके बाद इसको लिस्टेड जो इसकी लिस्टिंग की गई है IUCN की जो रेड डेटा लिस्ट है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको देखेंगे हम लोग, है ना, सही पूछा गया था ना इसमें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य एल्बम मिशन, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा गलत है, तो पहला ये कि भारत का पहला सोलर मिशन है, बिल्कुल ठीक है, इसको प्लान कौन कर रहा है, तो इसरो ही करेगा। इसके बाद इसका पहले नाम आदित्य वन था लेकिन अब इसको रिनेम किया गया आदित्य एल्बम मिशन के रूप में, बिल्कुल ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट। और इसको प्लान किया गया है कि जो सन का कोरोना वाला पार्ट है, आउटर जो पार्ट है कोरोना, उसको ये उसके बारे में अध्ययन करेगा, तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत पूछा गया है, इसलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।